रसायन के अध्ययन में पृष्ठ रसायन के अंतर्गत हम लोग सीख पा रहे थे कोलाइडी विलयन बनाने की विधि, और इसके पूर्व वीडियो में मित्रों हमने आपको बताया था संघनन विधि से कोलाइडी विलयन कैसे बनाया जाता है। तो संघनन विधि में हमने आपको कई विधियाँ बताया कोलाइडी विलयन बनाने की, बट आज के इस वीडियो में मित्रों हम लोग जानेंगे परिक्षेपण विधि। दरअसल जो द्रव विरोधी साल होते हैं उन्हें दो विधि द्वारा बनाया जाता है, एक संघनन विधि और दूसरा परिक्षेपण विधि। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ संघनन विधि तैयार करिए और इस वीडियो से हम लोग जानते हैं परिक्षेपण विधि। इस विधि में कैसे बनाते हैं, इस विधि में कोलाइड के बड़े बड़े कणों को तोड़ तोड़ कर कोलाइड साइज के कणों में बदल लिया जाता है। भाई कोलाइड साइज के जो बड़े बड़े कण होते हैं इन्हें तोड़ तोड़ कर कोलाइड साइज कणों में क्या किया जाता है, बदला जाता है। फिर देखिए क्या किया जाता है। इस विधि में द्रव विरोधी साल को निम्नलिखित तीन विधि द्वारा बनाया जाता है। पहला है यांत्रिक परिक्षेपण विधि, दूसरा है वैद्युत परिक्षेपण विधि, तीसरा है पेप्टीकरण। तो एक एक करके मित्रों हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यांत्रिक परिक्षेपण विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को कैसे बनाएंगे। तो अगर देखा जाए मित्रों तो ये अपने नाम से परिचय दे रहा है यांत्रिक, यानी यंत्रों के द्वारा। ठीक, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए यांत्रिक परिक्षेपण विधि में कैसे बनाते हैं कोलाइडी विलयन को। इस विधि में कोलाइड के बड़े बड़े कणों को कोलाइड चक्की में डालकर कोलाइड साइज के कणों में पीस लिया जाता है। इसके बाद इसमें कुछ उपयुक्त विलायक या अस्थायी कारक मिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, यानी अस्थायी कारक मिलाकर इसे कोलाइडी विलयन में परिवर्तित कर लिया जाता है। मित्रों जो यांत्रिक परिक्षेपण विधि बड़ा सिंपल विधि है, इसमें देखिए हमने कहा कोलाइड साइज के जो बड़े बड़े कण होते हैं इन्हें कोलाइड चक्की में डालकर पहले आप बारीक चूर्ण में पीसेंगे। ठीक, तब तक पीसते रहेंगे जब तक वो कोलाइड साइज के कणों में न बदल जाए। उसके बाद किसी भाई विलायक में आप इसे घोलेंगे ही, तो आप उपयुक्त विलायक में घोलकर उसमें कुछ और भी चीज़ें मिलाना हो मिलाकर आप बिलोडक की सहायता से हिलाएंगे डुलाएंगे तो धीरे धीरे कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद आता है मित्रों वैद्युत परिक्षेपण विधि। वैद्युत परिक्षेपण विधि में जरा ध्यान दीजिए, ये देखिए वैद्युत परिक्षेपण विधि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे हम लोग ब्रेडिंग की आर्क विधि भी कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बड़ा सा पात्र होता है और बड़े से पात्र में छोटा सा भी पात्र होता है। इस छोटे से पात्र के चारों ओर, ये देखिए छोटा सा पात्र है, इसके चारों ओर छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े रख दिए जाते हैं ताकि अगर ये गर्म हो तो इसे ठंडा रखे। ठीक, अब मित्रों इस विधि में हम लोग करते क्या हैं, इसमें जल भरा होता है और जल में थोड़ा हम लोग NaOH मिला देते हैं, इसलिए ताकि ये पूरा पूरा जलीय विलयन समग्र सुचालक हो जाए। अब जिस धातु का आपको कोलाइडी विलयन बनाना होगा ना, उसे आप एनोड और कैथोड के रूप में एक क्षण बना देंगे। जैसे मान लो आपको गोल्ड का साल बनाना है तो आप क्या करेंगे, गोल्ड की यहाँ पर एक एनोड और कैथोड के क्षण के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ बैटरी से जोड़ेंगे। बैटरी से हम लोग करते क्या है, बार बार इस जल के भीतर मित्रों स्पार्किंग कराते हैं, टचिंग कराते हैं। जब आप स्पार्क कराएंगे ना तो धीरे धीरे जो धातुओं के छोटे छोटे कण हैं ना, परमाणु हैं, ये निकल निकल कर इसे छोट छोट कर टूट टूट कर विलयन में आएंगे, जिससे कहा जाता है विलयन में धातु के छोटे और गर्म कण प्राप्त होते हैं जो जल जो विलायक में धीरे धीरे ये कोलाइडी विलयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से गोल्ड साल बनाया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गोल्ड की क्षण है, तो गोल्ड साल तैयार होता है। अब देखिए यहाँ पर किया क्या जाता है, इस विधि में बहुमूल्य धातु जैसे सोना चांदी कापर इत्यादि का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। इस विधि में जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है उसे क्षण के रूप में एनोड और कैथोड बनाया जाता है। जल में मिश्रित NaOH में डुबो दिया जाता है, ये आप देख पाए जल में मिश्रित NaOH में डुबो दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, और फिर देखिए, और इस जल के चारों बर्फ के टुकड़े रख दिए जाते हैं, ये भी हमने आपको दिखाया। इसके बाद क्षण को बैटरी से जोड़कर बार बार जल के भीतर स्पार्क कराया जाता है, जिससे धातु के क्षण के परमाणु जिससे धातु के क्षण से परमाणु अलग होकर जल से क्रिया करके धीरे धीरे कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो इस विधि से मित्रों हम लोग सीख पाएँ ये कौन सी विधि है, वैद्युत अपोहन। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे पेप्टीकरण। अब यहाँ पर मित्रों आप ध्यान दीजिए पेप्टीकरण के द्वारा कोलाइडी विलयन कैसे बनाते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलने क्रिया को पेप्टीकरण कहा जाता है। मित्रों इसमें हम कह क्या रहे हैं, अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलने क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में यदि FeCl2 मिला दिया जाए तो फेरिक हाइड्रोक्साइड साल प्राप्त होगा। उसके बाद कहा गया अगर आर्सेनियस सल्फाइड के साथ आर्सेनियस सल्फाइड का अवक्षेप में H2S मिला दिया जाए तो कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे पेप्टिक कण में होता क्या है, अवक्षेप को कोलाइड विलयन में बदला जाता है।